नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स और आज तो एक्शन में है मार्केट। देखिए, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, लेकिन क्योंकि न्यूज फ्लो ही एकदम से डेवलप हो रहा है और खासतौर से जीएसटी, जो कि बहुत अहम मुद्दा है मार्केट के लिए और साथ साथ अर्थव्यवस्था के लिए, वो एक ट्रिगर बन गया मार्केट के लिए आज। और अच्छी तेजी मार्केट ने पकड़ ली, हफ्ते का उच्चतम स्तर है जिस पे निफ्टी इस समय कामकाज कर रहा है, 9961 का लेवल। सेंसेक्स में भी आधे फीसदी के गेंस मिल रहे हैं और सेटअप स्ट्रांग हो चुका है। ऊपर से आज के सत्र में वोलेटिलिटी घटी है, तेजी बढ़ी है मार्केट पे, तो अभी तक का सेटअप तो ठीक है। अगर कोई भी जीएसटी के मोर्चे पर पॉजिटिव खबर आ गई, जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ चुनिंदा सेक्टर्स को, कंपनियों को जीएसटी में कुछ ढील दी जाएगी, टैक्स दरों में कुछ कटौती की उम्मीद कर रहा है मार्केट, तो अगर ऐसा होता है तो हो सकता है यहाँ से और तेजी बढ़ जाए। अब हम धीरे धीरे 10,000 के लेवल के बेहद नज़दीक आ चुके हैं, देखते हैं क्या ये जो लेवल्स हैं ये हासिल कर पाते हैं कि नहीं। लेकिन जैसे मैं बात कर रहा हूँ, कुछ सेक्टर्स और कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जहाँ पर आज के सत्र में हलचल बनती हुई नजर आई। सबसे पहले तो आज मेटल्स इस पॉकेट में तेजी है, दूसरा है तेल गैस जिसमें लोअर लेवल से बहुत स्ट्रांगली गेंस मिलते हुए नजर आए, तीसरा ये सेक्टर नहीं है, स्टॉक्स हैं। जीएसटी में ढील जिन भी कंपनियों को या फिर सेक्टर्स में देने की बात हो रही है, उन कंपनियों के जो शेयर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांगली ग्रिप में आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे आज प्लाईबोर्ड शेयर्स हैं, इसके अलावा टेक्सटाइल्स जिसमें लोअर लेवल से बहुत स्ट्रांगली गेंस मिलते हुए नजर आए। एक बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट भी देख लेते हैं क्योंकि लगातार फोकस में है और 256 के लेवल पे फिलहाल कामकाज कर रहे हैं, 2% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। एसबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा लिए चलते हैं आप। Stick to those promises, okay? So the fact of the matter is again, and this is a request to the media. See, y'all want big structural changes. You want big reform. You want big steps, bold steps to be taken, and then you expect everything will be okay in 30 days time or 90 days time. Doesn't happen. See, anything that is major in nature will take time for it to percolate down and give you the benefits. Okay? So if you have certain amount of प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बतौर चेयरमैन पद पे अरुंधति भट्टाचार्य की आप सुन रहे थे, फिलहाल 256 के लेवल पे है एसबीआई। लेकिन आज अगर आप पॉकेट देखेंगे ना पीएसयू बैंकिंग स्पेस, तो उसमें एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो बस कर रहे हैं। एक बार फटाफट से वो दिखाइए स्टॉक्स जो चल रहे हैं डेरिवेटिव मार्केट पे, जहां पर तेजी के सौदे आज के सत्र में ज्यादा बन रहा है। एक स्टॉक तो जुबिलेंट फूडवर्क्स ही है, काफी स्ट्रांगली गेंस में आया क्योंकि ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट ही काफी पॉजिटिव हो गई है स्टॉक पे, और यहां से काफी स्ट्रांगली गेंस इस स्टॉक में मिलते हुए नजर आए। दूसरा, यहां पर जिस तरीके से हरकत देखने को मिल रही है, कुछ और स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे जहां पर आज के सत्र में तेजी वाले एफएनओ गेनर्स जो स्टॉक्स हैं, जिनकी सूची इस समय आपकी स्क्रीन पे होगी, जुबिलेंट फूडवर्क्स, बाटा, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज गेंस मिल रहे हैं। आशीष अंदानी साहब मेरे से मौजूद हैं। आशीष जी, शुक्रिया आपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, सबसे पहले तो मार्केट्स पे अप्रोच बताएं, यहां पर 9960 के लेवल पे पहुंच चुके हैं, क्या यहां से तेजी और एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर प्रॉफिट बुक कर लिया जाए इन लेवल्स पे? देखिए, मार्केट का पैटर्न देखें तो मुझे लग रहा है थोड़ी तेजी और बची है, बट एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच भी लेना पड़ेगा क्योंकि काफी एक थोड़ी तेजी हो चुकी है। मुझे लगता है कि यहाँ पे 9920 के आसपास एक बहुत अच्छा स्टॉप लॉस बनता है अगर किसी को बाय करना है, और 9980 10020 के इम्पोर्टेंट मुझे टारगेट्स लगते हैं जो अचीव होने चाहिए। जिस तरीके के डेवलपमेंट्स भी आ रहे हैं, जीएसटी से रिलेटेड जो न्यूज आ रही हैं, आपने भी बताया कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स भी आज देखी गई हैं, मुझे लगता है अगर वो इम्प्लीमेंट होता है तो कुछ ना कुछ ट्रिगर पॉजिटिव आना चाहिए। और गवर्नमेंट जिस तरीके से सीरियस है, स्लो डाउन से रिलेटेड बातें भी काफी हो रही हैं इकोनॉमी में, और फिगर्स भी जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि जीएसटी से जितना नुकसान सोचा था उससे थोड़ा ज्यादा बिजनेस पे नुकसान हो रहा है। उसको हम नुकसान भी कह सकते हैं, प्रोसीजरल डिफिशियंसी भी कह सकते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉजिटिव टू कॉशियस व्यू लेकर के मार्केट में चलना पड़ेगा। टारगेट बताएं सर निफ्टी पे, और स्टॉप लॉस क्या रखना होगा? 10,020 के आसपास का रहते जी मुझे लगता है टारगेट होना चाहिए, 9920 के आसपास का स्टॉप लगता है मुझे बाइंग में। ठीक है, एक बार स्टॉक्स देख लेते हैं जो आज एफएनओ मार्केट पे काफी एक्टिव हुए हैं, जिसमें जुबिलेंट फूडवर्क्स ऑलरेडी बोल चुका हूं मैं, एनसीसी, मुथूट फाइनेंस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर ट्रेडर्स जो पॉजिटिव बेसिस पर ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा साउथ इंडियन बैंक, टाटा स्टील और गेल एफएनओ गेनर्स की सूची में शामिल है। इन तमाम स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी बन रही है। एफएनओ में जो सबसे ज्यादा बढ़े हैं, सबसे ज्यादा चढ़ने वाले स्टॉक्स में सेल, नालको और सीईएससी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं
जहां पर अच्छी तेजी आज के सत्र में बनती हुई नजर आ रही है। सूची आपकी स्क्रीन पे अभी थोड़ी देर में होगी। 98 सौ की पुट और 99 सौ की पुट दोनों ही आज काफी स्ट्रांगली राइट हुई हैं। मेरे साथ प्रदीप हरचंदानी साहब इसमें मौजूद हैं। प्रदीप जी शुक्रिया आपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर निफ्टी पे आपकी कॉल किया और कौन से स्टॉक को क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं मार्केट्स में आप? निफ्टी पे पॉजिटिव बायस है। 9920 से 9930 का जो रेजिस्टेंस जोन था उसको डिसाइसिवली क्रॉस करके निफ्टी के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो 10015 का एक नेक्स्ट टारगेट रहेगा। जो पूरा हमने फॉल देखा है उसका एक 2/3 रिट्रेसमेंट टेबल है, उसी का एक टारगेट रख के लॉन्ग करना चाहेंगे। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था 9920 वो अभी एक सपोर्ट का काम करेगा, तो उसी का एक स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग करेंगे। स्टॉक की अगर बात करें तो PEFC जो आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में भी बताया वो स्ट्रॉन्ग लग रहा है। पिछले 8-10 दिन के कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है। ओपन इंटरेस्ट भी काफी अच्छा बढ़ा है यहाँ पे, यहाँ पे लॉन्ग करना चाहेंगे 998 के स्टॉप लॉस और 1065 का इसमें टारगेट है। ठीक है, एक बार निफ्टी भी आपका टारगेट दोबारा क्या दोबारा बताएंगे सर? निफ्टी में टारगेट मैंने बताया 10015 का, जो पूरा हमने फॉल देखा है 10180 से लेकर 9685 का, उसका एक 2/3 रिट्रेसमेंट लेवल है और इसीलिए ये 10015 का एक टारगेट बन। चलिए ठीक है, 9920 का स्टॉप लॉस और 10015, यही बात अभी थोड़ी देर पहले आशीष जी भी कह रहे थे कि यहाँ से तेजी जो है वो और बढ़ती हुई नजर आ सकती है। CESC इस स्टॉक को नोट कर लीजिए, प्रूडेंट ब्रोकिंग के रडार पर है आज अच्छी तेजी में ये स्टॉक। 998 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा और टारगेट 1065 के देखने को मिल सकते हैं। मेरे साथ राजेश सतपुते साहब इसमें मौजूद हैं। राजेश जी नमस्कार। सर ये मार्केट्स पे तो चाल और तेज हो गई और हफ्ते के उच्चतम स्तर पे हैं, ये प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है या फिर तेजी भी और देखते हैं मार्केट्स में आप? रजत जी हमारा व्यू जो यही शेयर हुआ था कि 9850 का एक सपोर्ट है और सामने हमें लग रहा था कि 9950 तक जाएगा। मैक्स ऐसा लगता है ऑप्शंस का जो डेटा है वो हिसाब से लगता है कि जो प्रोडक्ट जो रेंज है वो 9800 ऑन द लोअर साइड एंड 10000 ऑन हायर साइड। अगर प्योर टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से सोचे तो 9960 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है जो कि चैनल रेजिस्टेंस है। तो देखिए अगर मेरे पास निफ्टी होता तो यहाँ पे मैं निफ्टी में प्रॉफिट टेकिंग डेफिनेटली करता। ये बात जुदा है कि मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे क्लैरिटी नहीं है, बट एट द सेम टाइम जो स्टॉक स्पेसिफिक जो मूव है वो ज्यादा से ज्यादा मैं कैच करने की कोशिश। तो वो स्टॉक कौन सा होगा जहाँ पर खरीदारी की सलाह देंगे आप? देखिए यहाँ पे हमें लगता है कि SBI एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस आज देखिए बहुत दिन के बाद आज SBI में बाइंग आ रही है फ्रॉम लोअर लेवल। तो 255 के ऊपर हम लोगों ने बाय इनिशिएट किया है, स्टॉप लॉस 250 का रखा है और टारगेट जो है वो 270 का है। सेकंड बाय कॉल जो इनिशिएट किया है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस पे है, 424 के ऊपर इसको बाय करें, 415 का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट रहेगा 442 का। चलिए शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। दोनों स्टॉक्स नोट कर लिए हमने, MNM फाइनेंस और SBI जिसपे आप हायर लेवल्स लेके चल रहे हैं यानी कि तेजी बढ़ती हुई नजर आएगी। मेरे साथ अरुण मंत्री जी इसमें मौजूद हैं। अरुण जी नमस्कार, स्वागत है। निफ्टी पे कॉल दीजिए सर और एक स्टॉक बताइए जो तेज हो जाएगा मार्केट में। नमस्कार अजय जी, निफ्टी पे हमारा रुझान भी पॉजिटिव ही है। अगर आप निफ्टी देखें काफी 3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज रेंज से बाहर आया है, तो कोई भी गिरावट आती है जो कि रेंज के अपर बैंड के पास रहेगी जो कि अराउंड 9940 से 9950 है, वहां पे आप निफ्टी लॉन्ग कर सकते हैं। नीचे में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अराउंड 9890। अच्छा, ऊपर में 10000 से 10020 तक का लेवल आप 1-2 दिन में देख सकते हैं। ओके राइट, और स्टॉक कौन सा बताया, कौन सा रिकमेंड करेंगे आप? स्टॉक स्पेसिफिक में LNTFH में काफी स्ट्रॉन्ग मूव आया है। ये स्टॉक अगर आप देखें 200 के आसपास ट्रेड हो रहा है करंटली। अगर आप स्टॉक को लॉन्ग करते हैं तो 194 का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में 205 से 206 का टारगेट आप LNTFH पे देख सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। LNT फाइनेंस हमने नोट कर लिया, इसमें आप 205 का टारगेट ले रहे हैं, 194 का एक स्टॉप लॉस होगा। MNM फाइनेंस इसको भी राजेश सतपुते तेजी की साइड पे रिकमेंड कर रहे हैं, खरीदारी की जा सकती है MNM फाइनेंस पे। यहाँ पर जो टारगेट है वो 442, स्टॉप लॉस 415। SBI बहुत समय बाद यहाँ पर लोअर लेवल से एक अच्छी तेजी शो कर रहा है ये स्टॉक, अब 270 तक की चाल एक्सपेक्ट करें और 250 का एक स्टॉप लॉस। और CESC इस स्टॉक पे भी तेजी रिकमेंड की गई है, यहाँ पर टारगेट है 1065 और 998, ये एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। लेकिन एक और एक्सक्लूसिव खबर बताते हैं आपको, और मुद्दा यह है कि GST काउंसिल की बैठक हो रही है, इंडस्ट्री को कुछ राहत मिलने की एक्सपेक्टेशन है। कौन से सेक्टर्स को कितनी बड़ी राहत इस बार GST काउंसिल दे सकता है, इसी मुद्दे पर और अपडेट लेकर आए हैं मेरे सहयोगी आलोक। आलोक बताएं, अभी तक जो भी समीकरण बन रहे हैं उसमें कौन से सेक्टर्स हैं जिनको GST दर से थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है?
देखिए कई सारे करीब 60 के करीब आइटम्स है जिसको लेकर प्रपोजल चल रहा है, और देखिए तो खास तौर से जिसमें एसी रेस्टोरेंट है जिस पर 18% अभी टैक्स है, जीएसटी है, उसको घटाकर 12% किया जा सकता है। हैंडीक्राफ्ट आइटम काफी दिनों से कंसर्न था, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो वित्त मंत्री हैं हसीब दाबू, उन्होंने भी कई सारी बात कही थी कि जो हैंडीक्राफ्ट है उस पर कम किया जाना चाहिए, और वो भी इस बार चर्चा हो सकता है। उसमें से उसको हैंडीक्राफ्ट आइटम से अभी जो 12% है उसको घटाकर 5% किया जा सकता है। अभी इसके अलावा जो कैब सर्विसेज हैं, लीजिंग ऑफ कैब सर्विसेज जो होता है, तो ये कहा गया है कि अगर 1 जुलाई से पहले जिसका लीजिंग लिया जा चुका है तो उसको घटाया जा सकता है, उसको घटाकर अभी 18% किया जा सकता है। तो ये कैब सर्विसेज पर काफी राहत मिल सकती है। इसके अलावा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी इशू है, वहां पर भी उसको घटाकर 12% से 5% किया जा सकता है। तो कई सारे प्रोडक्ट हैं, और खासतौर से अगर मोटा मोटी ये समझ लें कि चूंकि ये फेस्टिव सीजन है और सरकार भी चाहती है कि इस सीजन का जो सेल काफी बंपर हो, डिमांड बढ़े, लोग खरीदारी करें, खुलकर खरीदारी करें, तो कई सारी चीजों पर सरकार जीएसटी रेट घटा सकती है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फेस्टिव सीजन में जो जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकते हैं वहां पर एक तरह से कई तरह के रिलीफ आ सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो जिस मुद्दे को लेकर इसमें चर्चा हो रही है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा वो है, ये है कि जो कंपोजिशन स्कीम है वहां पर रिलैक्सेशन बढ़ाकर 1 करोड़ किया जा सकता है, 75 लाख। लेकिन आलोक, एक अहम मुद्दा ये कि क्या पेट्रो उत्पादों पर भी कुछ बड़ा फैसला हो सकता है, क्या उनको भी जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है? बिल्कुल, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर पिछले दिनों से काफी चर्चा चल रही है। सरकार लगातार राज्यों को कहती रही है कि वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में अपने वैट पे कमी लाएं, लेकिन अगर देखें तो कुछ एक राज्य जो घटाने की बात कह रहे हैं, जैसे गुजरात जैसे राज्य ने अपना वैट घटाया भी है। तो अगर इस तरह से अगर एक एक करके राज्य घटाते हैं और कहीं ना कहीं सबको अपना रेट आने वाले दिनों में घटाना पड़ेगा, क्योंकि जनता का भारी दबाव है पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर, क्योंकि सरकार ने अपना जब बेसिक एक्साइज ड्यूटी घटाया उसके बाद सभी राज्यों पर ओनस आया है, उनको अपना घटाना है। तो बेहतर यही होगा कि अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के तहत लाया जाए तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। तो बैठक में चलिए उस पे और अपडेट लेंगे आपसे, लेकिन आलोक एक और बड़ी खबर आ रही है उस पे भी मैं आपसे कुछ अपडेट लूंगा, और वो ये है कि नोटबंदी के बाद की जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनकी जांच होगी और सरकार ने ये जांच के आदेश दे दिए हैं, इस पे क्या अपडेट है आपके पास? थी कंपनियां जो कि सिर्फ रिटर्न नहीं फाइल करती थी, फर्जी कंपनियां, शेल कंपनी जिनको कहा जाता था, उनको लेकर सरकार ने बड़ा ड्राइव चलाया, और उसके बाद करीब 2,19,000 के करीब कंपनियों को स्टक डाउन किया गया, उनके करीब 3 लाख डायरेक्टर्स को डिस्क्वालिफाई किया गया, और सरकार ने सभी बैंकों को यह कह दिया कि जितने भी उनके ट्रांजेक्शन हुए हैं या जो भी उनके बैंक खाते हैं उसके बारे में जानकारी दें। तो जो हमें जानकारी मिली थी उसके मुताबिक करीब 12 से 15 बैंकों ने अभी तक जानकारी दी है, और इन बैंकों ने बताया है कि बहुत सारा अमाउंट नोटबंदी के बाद इन कंपनियों ने अपने खातों में जमा करवाया था, फिर इसको निकाल लिया है। इसके अलावा एक एक कंपनी के नाम पर 2100-2200 के करीब बैंक अकाउंट थे, इससे कम थे, तो ऐसे करीब 50 के करीब कंपनियां थी जिनके 100 से ज्यादा खाते थे। तो अब इन तमाम कंपनियों के खिलाफ जांच के आदेश सरकार ने दे दिए हैं, क्योंकि सरकार का ये साफ तौर पर ये मानना है, साफ तौर पर जो कुछ चुनिंदा कंपनियां हैं उनकी ट्रांजैक्शंस की जांच होगी, और नोटबंदी के बाद जो भी ये ट्रांजैक्शंस हैं इनके जांच के आदेश सरकार ने दे दिए हैं। इस पर और अपडेट आपसे लेते रहेंगे आलोक, फिलहाल बहुत शुक्रिया। आशीष अंदानी साहब ऐसे से मौजूद हैं। आशीष जी, दिन के उच्चतम स्तर के करीब हैं अभी, 2 स्टॉक्स रिकमेंड कीजिए सर जहां पर आप तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं करंट लेवल से भी। काफी अच्छा लग रहा है जिस तरीके का पैटर्न है, मुझे लगता है जीएसटी की भी कुछ एक बार सर आपको स्टॉक रिकमेंडेशन दोबारा देनी पड़ेगी, हम आपको क्लियरली सुन नहीं पाए। बाटा के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ जी, बाटा इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। बाटा इंडिया यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है स्टॉक, मुझे लग रहा है 738 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और 756-758 के आसपास के टारगेट्स मुझे लग रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में आना चाहिए। मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, जो पिछले कुछ दिनों में एक पॉज लिया था इस पर्टिकुलर स्टॉक में, मुझे लगता है फिर से वो मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। दूसरा स्टॉक मुझे लग रहा है कोल इंडिया। आप देखिए बहुत समय से ये स्टॉक एक अंडर परफॉर्मर रहा है, बट पिछले कुछ समय में जब तेजी आनी स्टार्ट हुई है
स्पेशली क्योंकि अब मार्केट फाइंड कर रहा है कि कौन से अंडर वैल्यूड स्टॉक है जिनमें रिस्क एपेटाइट थोड़ा कम है, तो मुझे लगता है यहाँ पे कोल इंडिया में मोमेंटम आया है काफी अच्छा और 272 के ऊपर का एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया इस पर्टिकुलर स्टॉक ने, तो 273 के आसपास का स्टॉप रख के कोल इंडिया बाय कर सकते हैं और 286 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। अच्छा सर, ये मेटल स्टॉक्स में जैसे आपने अभी कोल इंडिया माइनिंग स्पेस में चुना ना, इसमें आज टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी, बहुत समय बाद स्टील अथॉरिटी में इतने गेंस देखने को मिल रहे हैं, सेल आज काफी अट्रैक्टिव बेट साबित हो गया, वेदांता, हिंडालको, सूची लंबी है, कोई मेटल स्पेस का काउंटर रिकमेंड करना चाहेंगे सर आप? और देखिए सेल की आपने बात की, मुझे लगता है ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें की डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है, अभी पिछले कुछ टाइम पहले इसमें एक बहुत हैवी करेक्शन आया था, ऑलमोस्ट 63-64 के लेवल से ये स्टॉक 51-52 के जोन में टच कर रहा था और वहां से इस पर्टिकुलर स्टॉक ने बहुत अच्छा बाउंस बैक दिया है, आज करीब 4% बढ़ा हुआ है क्योंकि पूरा मेटल सेक्टर भी तेज है, मुझे लगता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ज्यादा फेवरेबल पोजिशन बनती है, 60-62 के आसपास तक के टारगेट देख सकते हैं, 52 रुपए का स्टॉप लॉस अगर रखें तो। चलिए ठीक है, और कुछ स्टॉक्स जिसमें आज हलचल है उसमें कैस्ट्रॉल शामिल है, स्टॉक को आप नोट कर लीजिए, ये लोअर लेवल से कुछ पलटने की कोशिश कर रहा है, दूसरा है फोर्टिस जो आपको कल 1:30 बजे के शो में बताया गया था बतौर आज का सौदा, इसमें आज एक्शन स्ट्रांग हो गया, तीसरा इंटरेस्टिंगली है इन्फोसिस जिसमें लोअर लेवल से कुछ खरीदारी देखने को मिल रही है। आशीष जी बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए।